एहतसाब अदालत ने मीर शकीलुर रहमान को 12 रोजा जस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। उन्हें साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से 54 प्लॉट पर रियायत लेने के इल्जाम में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। नैब ने लाहौर की एहतसाब अदालत में मीर शकीलुर रहमान को पेश किया। नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला ने दलाइल के दौरान कहा कि मीर शकील ने नवाज शरीफ से एक एक कनाल के 54 प्लॉट हासिल किए जो गैर कानूनी तरीके से नाम करवाए गए हैं। मीर शकील के वकील एतजाज जैसन का कहना था कि उनके मौकिल ने प्राइवेट अफराद से जमीन खरीदी, एलडीए ने अगर रियायत दी है तो मोहम्मद हिकमत अली और दीगर को दी। 34 साल पुराने जुर्म से मुतालिक नैब खामोश रहा। अचानक कार्रवाई शुरू करके गिरफ्तार करना बदनीयती साबित करता है। नैब ने मुल्जिम का मौकिफ नहीं सुना और गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज मीर शकील नैब के सवालों के जवाब लेकर गए थे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मीर शकीलुर रहमान को 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है।